मुन्ना भैया को मिर्जापुर की गद्दी की शायद ज्यादा जल्दी थी, इसलिए वो 23 की जगह 22 को ही आ गए। तो किस बात का वेट कर रहे हैं आप लोग, जाइए देखिए कि कौन बनेगा किंग ऑफ मिर्जापुर। इस सीरीज के सीजन 2 का रिव्यू जल्दी आपके सामने लाया जाएगा। तब तक पढ़ते हैं सूरज पे मंगल भारी का ट्रेलर रिव्यू पर। नाम तो इस मूवी का ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेलर बनाया है ऐसा लगता है बहुत टाइम बाद ऑडियंस पेट पकड़कर हंसने वाली है। दिलजीत दोसांझ, मनोज वाजपेयी, फातिमा शेख, विजय राज और अन्नू कपूर जैसे मचे हुए कलाकार आपको हंसाने आ रहे हैं, जिसमें मनोज ने एक डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है जिसमें वो उनकी जासूसी करता है जिनकी शादी होने वाली है और पता करता है कि जिस लड़के या लड़की की शादी होने वाली है उसमें कोई ऐप तो नहीं, और इनकी जासूसी की वजह से दिलजीत का रिश्ता टूट जाता है। गुस्से की आग से झुलसा हुआ दिलजीत मनोज वाजपेयी से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और यहीं से शुरू होती है इस मूवी की कॉमेडी। इस मूवी में मनोज ने रिश्ते तोड़वाने के लिए जितने रूप चेंज किए हैं उतने तो किसी देशभक्ति की मूवी में भी नहीं किए। मूवी वन टाइम वॉच तो जरूर रहने वाली है, अब देखना या ना देखना आप पर डिपेंड करता है। दिवाली पर राजकुमार राव की लूडो के साथ साथ एक और मूवी आने वाली है छलांग। अगर आपने मेरा लूडो का ट्रेलर रिव्यू नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मूवी में राजकुमार राव उर्फ मोंटू, जो कि एक पीटी टीचर है, पर वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। इस मूवी में उनके कोस्टार मोहम्मद जीसान, नुसरत और सौरभ शुक्ला जैसे बड़े बड़े लोग हैं। हाँ वही जॉली एलएलबी वाले जज। मोंटू और नीलू के बीच सब सही चल रहा होता है जब तक आकाश की एंट्री नहीं होती। आकाश के आने से मोंटू लो फील करने लगता है और धीरे धीरे उसे जलने लगता है। मूवी में हंसाने के लिए कोई ऊटपटांग सीन नहीं और ना ही कोई वल्गर डायलॉग है, जो भी है इन सब की एक्टिंग। हाँ तो भाई, स्कूल के दो टीचर्स की इस महाभारत में कौन कौन भागीदार बनते हैं और कौन किस तरफ रहता है ये तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। आप किस तरफ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हंसना फिक्स है। एसएस राजामौली का नाम तो सभी ने सुन रखा है। कल आरआरआर का टीजर रिलीज हुआ। यकीन मानिए, उस छोटे से टीजर ने बता दिया कि राजामौली ने मूवी में किस तरीके का वीएफएक्स यूज किया है। वीएफएक्स के थ्रू इतना प्यारा नेचर दिखाया है कि मन मोह ले, और वॉर सीन भी ऐसा क्रिएट किया है कि जोश आ जाए। बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छा है। इसमें जूनियर एनटीआर ने कोमाराम भीम और रामचरण ने सीताराम राजू का रोल प्ले किया है। आलिया भट्ट है सीता और इसमें अजय देवगन भी हैं, जिनका रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। फिल्म में भीम और राजू हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक साथ मिलकर लड़ेंगे। 400 करोड़ के बजट में बनी ये पूरी फिक्शनल स्टोरी है। बाहुबली का वीएफएक्स और बीजीएम जैसा मजा लेना है तो इस मूवी को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।